गेहूं के आटे की परतदार मटरी बनाने के लिए ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। ये मैंने नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ली है क्योंकि मटरी थोड़ी नमकीन अच्छी लगती है। फिर मैं इसके अंदर यहाँ ऐड कर दूंगी अजवाइन। आप अजवाइन के अलावा मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मोयन चेक करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक बना है या नहीं। तो हम आटा लेंगे और उसे इस तरीके से हम उसे मुट्ठी में दबाएंगे और उसके बाद हम इसे तोड़कर देखेंगे। ये देखिए आटा बिखर रहा है, यानी कि मोयन ठीक से बन गया है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को हमें टाइट ही लगाना है, आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा ही कर ऐड कीजिएगा। ये देखिए आटा इतना सख्त गूंदा है। अगर आटा सॉफ्ट होगा तो मटरी हमारी खस्ता नहीं बनेंगी। उसके बाद हम इसे दो पार्ट में इसे हम डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट की हम बॉल बनाएंगे। बॉल ज़रूरी नहीं है कि हम इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाएं। और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। ये जितनी बड़ी हो सकती है हम इसे इतना बड़ा बेल लेंगे और हम इसे जितना पतला हो सके उतना पतला हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कितना बड़ा बेल लिया है। अब हम इसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसे नाइफ से पीसीज में कट कर लेंगे। हमें सभी पीसीज को इक्वल साइज का रखना है। उसके बाद हम एक पीस लेंगे और उसे इस तरीके से बिल्कुल पतला बेल लेंगे। फिर हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और हम इसे करेंगे फोल्ड। फिर हम दूसरी साइड भी इस पर ऑयल लगाएंगे और इसे भी हम कर देंगे फोल्ड और हल्के हाथ से हम इसे बेलन से बेल देंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारी मटरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें करना है ऑयल को गर्म। ध्यान रहे तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो मटरी जो है वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रहेंगी, इसलिए तेल हमारा बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए और हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हम इसे पलट पलट कर इसकी साइड चेंज कर दोनों साइड से सेक लेंगे। मगर ध्यान रहे गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, वरना मटरी ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए लो फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई किया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब आप देखिए ये हमारी मटरी कितने अच्छे से टूट रही है और कितनी खस्ता तरीके से ये बनकर तैयार हुई है। ये हमारी परफेक्ट मटरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।